हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एवी समर्पण अ जर्नी ऑफ लाइफ साइंस से मैं विकास। आज का हमारा टॉपिक है टंग एंड इट्स पार्ट। मैं आपको बता दूं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ में यानी बकल कैविटी में ये टंग प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन या रोल प्ले करता है। ये क्या फंक्शन करता है? इसका एक फंक्शन है कि ये फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। इसके अलावा ये और भी फंक्शन करता है, ये टेस्ट करने में काम आता है और इसके अलावा ये बोलने में भी हेल्प करता है। तो चलिए समझते हैं इस टंग के पार्ट्स को। टंग एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। इसमें बहुत सारे टेस्ट बड होते हैं। जब आप अपने टंग को मिरर में देखेंगे या अपने फिंगर से टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर इसमें उभरा प्रेजेंट होता है, जो बर्ड्स होते हैं। और ये बर्ड्स लगभग हमारे टंग पे मोर देन 10,000 होते हैं जो टेस्टिंग में काम आते हैं। लेकिन क्या हमारे टंग का सारा पार्ट एक जैसा ही टेस्ट करता है? नहीं, हमारे टंग जो हैं वो डिवाइड होते हैं अलग अलग पार्ट में और हर पार्ट का अपना एक फंक्शन होता है टेस्ट के पर्पज से। तो चलिए समझते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है टंग का, आप समझ लेंगे। जो सबसे नीचे का हिस्सा है यानी एंटीरियर मोस्ट पार्ट, यहाँ पे ये स्वीट होता है। आपने देखा हो ना, चाय को टेस्ट करते समय जैसे ही हम लेते हैं और कहते हैं ओह ये तो मीठा नहीं है या ये काफ़ी मीठा है, कैसे पता चलता है? ये अगला पार्ट जो है ना वो स्वीट टेस्ट के लिए है, यानी कि यहाँ जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होंगे वो स्वीट को यानी कि मीठे चीज़ का टेस्ट कर सकेंगे। यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट होता नहीं, आप लगा के भी देखेंगे तो जब तक वो स्प्रेड करके पीछे जाएगा तब तक मैं टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, यानी कि थोड़ा समय लग जाएगा यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि जस्ट बगल में दोनों साइड का जो हिस्सा है ये सॉल्टी के लिए होता है। ये और बैक आ जाए, ये इधर भी आ जाए, ठीक है, यानी ये दोनों पार्ट जो हैं ये सॉल्ट टेस्ट के लिए होता है, यानी सब्जी में नमक है या नहीं ये आप इस पार्ट से बताते हैं। और पीछे चलते हैं, दही खट्टी है, बोलते हैं ना कि कर्ड थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी और आप मुंह में लेते हैं या इमली लेते हो, कुछ और लेते हो तो तुरंत आपका अजीब सा चेहरा बन जाता है, एक्सप्रेशन ही अलग हो जाता है। कभी किसी छोटे से बच्चे को आप उसके माउथ में जो है आप खट्टी चीज़ डाल के देखिए, आपको एक्सप्रेशन दिख जाएगा। तो ये जो पार्ट है यानी कि सॉल्टी के पीछे वाला पार्ट, ये जो दोनों साइड का पार्ट है ना ये सावर टेस्ट के लिए होता है, खट्टी चीज़ों के लिए होता है। जो बिल्कुल पीछे वाला पार्ट है ये आपके बिटर टेस्ट के लिए होता है, यानी कि अगर हम तीता खाते हैं ना, मिर्ची खा करके देखेंगे, मिर्ची को कभी ट्राई करके देखिए अगले हिस्से पे हल्का लगा करके, आपको तुरंत पता ही नहीं चलेगा वो तीता है, क्योंकि जब तक मैं टेस्ट बर्ड स्प्रेड हो करके वो पीछे की तरफ मैसेज पहुंचाएगा यहाँ पे तब तक थोड़ा समय लगता है। लेकिन डायरेक्टली पीछे डालेंगे, क्योंकि आप जैसे ही आपको मिर्ची की टेस्ट पता चलती है तो आप बहुत तेज करने लगते हैं, एक्सप्रेशन देने लगते हैं और फिर पानी पीते हैं और आपको यहाँ पे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा तीता लग रहा है, आगे नहीं पता चलता है क्योंकि टेस्ट बर्ड बिटर के लिए बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। लाइक जरूर बनता है, लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, देखने के लिए धन्यवाद।